दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपको रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर जाकर खाना खाना चाहते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगी। तो आप कैसे इंग्लिश में बात कर सकेंगे, आज की वीडियो लेसन में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको मैं इंग्लिश के ऐसे फिकरात सिखाऊंगा जो कि आपको इस काबिल बना देंगे कि आप रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी तरह की बात करना चाहते हैं, आप बआसानी इंग्लिश में बात करेंगे इन 40 फिकरात से। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस है, अली के नाम पर टेबल बुकिंग है। जब आप वहां पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, अगर आपने कॉल करके बुकिंग वगैरह करवाई होगी पहले से तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, आई हैव अ रिजर्वेशन। बुकिंग को रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ अली, अली के नाम पर टेबल बुकिंग है। रिजर्वेशन, आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ अली, तो जिसके नाम पर बुकिंग होगी, टेबल की बुकिंग होती है, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे, आई हैव अ रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ अली। आगे चलते हैं, प्लीज टेक द ऑर्डर। अगर आप वेटर को कहना चाहते हैं कि ऑर्डर लीजिए प्लीज, तो आपने क्या बोलना है, Please take the order. Please take the order. या आप ये भी कह सकते हैं, We are ready to give the order. हम order देने के लिए तैयार बैठे हैं। We are ready to give the order. Okay. पांच लोगों के लिए एक टेबल प्लीज। A table for five please. ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, A table for five please. लेकिन आप इस बात को एक और तरह से भी कह सकते हैं, Is there a table available for five people? क्या पांच लोगों के लिए एक टेबल मुयसर है? पांच लोग हों, दस लोग हों, जितने लोगों के लिए आप टेबल लेना चाहते हैं यहां पर आप उसका मेंशन कर देंगे। A table for ten please. और is there a table available for ten people? क्लियर हो गया? कितना वक्त लगेगा? How much time will it take? आप वेटर से पूछते हैं कि खाना रेडी होने में, ये जो डिशेज हमने आपको ऑर्डर की हैं, इनको रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? हाउ मच टाइम विल इट टेक? क्या हम एक इजाफी कुर्सी ले सकते हैं? कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर? कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर? कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर? प्लीज ऊंची कुर्सी ला दे। बच्चों के लिए आमतौर पर आप ऊंची कुर्सी का ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ब्रिंग अ हाई चेयर, प्लीज ब्रिंग अ हाई चेयर। ऊंची कुर्सी को इंग्लिश में हाई चेयर बोलते हैं, प्लीज ब्रिंग अ हाई चेयर। या कैन वी हैव अ हाई चेयर प्लीज? क्या हमें ऊंची कुर्सी मिल सकती है? हाई चेयर, ऊंची कुर्सी। क्या हम इस मेज पर बैठ सकते हैं? मे वी सिट एट द टेबल? मे वी सिट एट दिस टेबल भी कह सकते हैं, इस मेज पर, या मे वी सिट एट द टेबल। जब आप बड़े ही पोलाइट वे में ये बात करना चाहते हैं कि क्या हम इस मेज पर बैठ सकते हैं, तो आपने क्या कहना है, मे वी सिट एट दिस टेबल, इस मेज पर क्या हम बैठ सकते हैं? क्या हम खिड़की के पास बैठ सकते हैं? कैन वी सिट बाय द विंडो? कैन वी सिट बाय द विंडो? यह आप वेटर से पूछ सकते हैं। या मजीद यह है कि आप अगर तमाम लोग मिलकर यह बात करना चाहते हैं कि क्या हम खिड़की के साथ बैठ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, कैन वी सिट बाय द विंडो? कैन वी सिट बाय द विंडो? मेन्यू लाना प्लीज, जिस पर तमाम खानों की लिस्ट वगैरह होती है, लिखे होते हैं। आप इस सेंटेंस को तीन चार तरीकों से बोल सकते हैं, इस बात को, ब्रिंग द मेन्यू प्लीज, ब्रिंग द मेन्यू प्लीज। या आप ये भी कह सकते हैं सिंपल वे में, द मेन्यू प्लीज, द मेन्यू प्लीज। अगर आप अपने सेंटेंस को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, पोलाइट बनाना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं, कुड यू प्लीज ब्रिंग द मेन्यू? कुड यू प्लीज, अब यहां पर आप अपनी बात को बहुत ही पोलाइट बना रहे हैं, ठीक है, कुड यू प्लीज ब्रिंग द मेन्यू? तो आप तीन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिंग द मेन्यू प्लीज, और द मेन्यू प्लीज, और कुड यू प्लीज ब्रिंग द मेन्यू। आज क्या खास है, व्हाट्स स्पेशल टुडे? अच्छा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हर रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ खास होता है हर दिन, तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्स स्पेशल टुडे, आज क्या खास है? या आप ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर स्पेशल्स टुडे? व्हाट आर स्पेशल्स टुडे? हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया, वी हैवंट येट सिलेक्टेड और डिसाइडेड। वेटर आपसे अगर पूछेगा, आप लोगों ने फैसला कर लिया, तो अभी तक आपने कहना है, आपने कहना है, वी हैवंट येट सिलेक्टेड और डिसाइडेड। वी हैवंट येट सिलेक्टेड और
डिसाइडेड, हमने अभी तक फैसला नहीं किया। क्या आप कोई अच्छा पकवान तजवीज़ कर सकते हैं? आप वेटर से कह सकते हैं कि आप हमें कोई रेकमेंड करें। खुड यू रेकमेंड अ गुड डिश? खुड यू रेकमेंड, तजवीज़ कर सकते हैं। खुड यू प्लीज रेकमेंड अ गुड डिश? आप क्या लेना पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक टू टेक? वट वुड यू लाइक टू टेक? वट वुड यू लाइक टू हैव? वट वुड यू लाइक टू हैव? मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रिफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। आई वुड प्रिफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैं स्टार्टर नहीं लूंगा। आई डोंट वॉन्ट अ स्टार्टर। खाने के शुरू में आपको सलाद वगैरह दिया जाता है, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ दी जाती है जो कि आप मेन खाने से पहले आप लेते हैं, उसे हम स्टार्टर कहते हैं या एपिटाइजर कहते हैं, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट अ स्टार्टर। मैं भी यही लूंगा। अगर आपके साथ बैठा हुआ बंदा ये कह रहा है कि मैं भी यही लूंगा, तो वो ये वाला सेंटेंस यूज करेगा, आई विल टेक द सेम। आई विल टेक द सेम। बात सुनिए, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज मी, आपने ऐसे बोलना, एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। एक्सक्यूज मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर। या आप ये भी कह सकते हैं, वी आर रेडी टू प्लेस द ऑर्डर। हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज मी, वी आर रेडी टू प्लेस द ऑर्डर। क्या हम चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर दें? शुड वी ऑर्डर फ्राइड चिकन? शुड वी ऑर्डर फ्राइड चिकन? प्लीज खाना ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए। प्लीज द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। द फूड, द डिश और द मील शुड नॉट बी टू स्पाइसी। खाना ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हम सब्ज सलाद ले सकते हैं? ऑलराइट, कैन वी हैव अ ग्रीन सैलड? कैन वी हैव अ ग्रीन सैलड? कुछ और चाहिए? एनीथिंग एल्स? या ये भी कह सकते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू नीड और दैट यू वॉन्ट? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वॉन्ट? आपको कुछ और चाहिए? मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। आई थिंक इट्स इनफ। आई थिंक इट्स इनफ। आई थिंक इट्स इनफ। पहले सलाद और सोप लेना। फर्स्ट ब्रिंग सैलड एंड सोप। फर्स्ट ब्रिंग सैलड एंड सोप। प्लीज सोप आधा आधा करके दीजिए। प्लीज मेक द सोप वन बाय टू। आधा आधा करके देना, ठीक है। प्लीज मेक द सोप वन बाय टू। प्लीज एक बोतल मिनरल वाटर खिला दें। प्लीज ब्रिंग द वन बोतल ऑफ मिनरल वाटर। प्लीज ब्रिंग वन बोतल ऑफ मिनरल वाटर। क्या हम थोड़ा और ले सकते हैं? कुड वी हैव सम मोर? कुड वी हैव सम मोर? कुड वी हैव सम मोर? वक्त काफ़ी लग रहा है। इट्स टेकिंग इनफ टाइम। आप खाने का वेट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं इट्स टेकिंग इनफ टाइम। ऑर्डर को एक घंटा हो गया है। इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। इट हैज़ बीन एन आवर, एक घंटा हो गया सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। क्या यहाँ करीब में कोई बाथरूम है? इज देयर अ रेस्ट रूम नियर बाई? इज देयर अ रेस्ट रूम नियर बाई? रेस्ट रूम मीन्स वॉशरूम वगैरह, ठीक है। इज देयर आर रेस्टरूम नियर बाई? क्या चार मुफ्त है? इज दिस पिकल कॉम्प्लीमेंट्री? इज दिस पिकल कॉम्प्लीमेंट्री? माफ करना, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की तो आपके पास आ जाती है, आपने कहना है एक्सक्यूज मी आई डिडेंट ऑर्डर दिस। मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। आई डिडेंट ऑर्डर दिस। जरा नमक इधर करना प्लीज। प्लीज पास मी द सॉल्ट। आप अपने साथ बैठे हुए जो खाना खा रहा होता है उसे आप कह सकते हैं प्लीज पास मी द सॉल्ट। मीठे में कुछ लेंगे क्या? वुड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम डेजर्ट्स? वुड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम डेजर्ट्स? या कैन आई सी द डेजर्ट मेन्यू? अच्छा, यहाँ पर ये दो सेंटेंसेज हैं। वुड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम डेजर्ट्स मीन क्या? आप मीठे में कुछ लेंगे? खाने के आखिर में हम मीठे में कुछ लेते हैं, डेजर्ट्स कहते हैं उसे, ठीक है। या अगर जो खाना खाने आया हुआ है वही कह सकते हैं कैन आई सी द डेजर्ट मेन्यू? जब उसने पूछा कि आप मीठे में कुछ लेंगे तो आगे वाला क्या कह रहा है? खाना खाने वाला वो कह रहा है क्या मैं मीठे वाला जो मेन्यू है वो देख सकता हूँ कि इस मीठे में क्या कुछ है? कैन आई सी द डेजर्ट मेन्यू? नहीं, मेरा पेट भर गया। नो माई स्टमक इज़ फुल। या आई एम स्टफ्ड। नो माई स्टमक इज़ फुल और आई एम स्टफ्ड। खाना मज़ेदार था या बेहतर था? द मील वॉज डिलीशियस। मज़ेदार, परफेक्ट, बेहतर था। The meal was delicious or perfect. इस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत आरामदेह है। The ambience, ये वाला वर्ड आप अपने जेहन में रख लें, अपनी वो कैबरी में ऐड कर लें। The ambience of this restaurant is very
cozy. The ambience, माहौल of this restaurant is very cozy, आरामदा. बचे हुए खाने को पार्सल कर दें प्लीज. प्लीज पार्सल लेफ्ट ओवर फूड. लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना. प्लीज पार्सल लेफ्ट ओवर फूड. और could you please pack the leftovers? आप ये भी कह सकते हैं could you please pack the leftovers? Leftovers बचे हुए खाने को. बिल लाइए प्लीज. इस बात को आप मुख्तलिफ तरीके से कह सकते हैं. Bring the bill please. Bring the bill please. एक ये तरीका. Could I have the bill please? Polite way हो जाएगा, ठीक है. Could I have the bill please? Could I have the bill please? Or can I get the bill please? Can I get the bill please? तो ये तीनों तरीके आप यूज कर सकते हैं वेटर को ये कहने के लिए कि बिल लाइए प्लीज. क्या मुझे बिल मिल सकता है? बिल लाइए प्लीज. Bring the bill please. Could I have the bill please? Or can I get the bill please? Okay. क्या आप क्रेडिट कार्ड कबूल करते हैं? Do you accept credit cards? यहाँ पर आपने पेमेंट पे अदा करनी है. तो कैश में अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड के जरिए अमाउंट कबूल करेंगे. डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज.